हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि पता है, आज है 11 अप्रैल 2024। आज के इसी डेट में ईद का पर्व मनाया जा रहा है, तो हम लोग चलेंगे अपने ईद की नमाज को अदा करने के लिए अपने ईदगाह की ओर। और दोस्तों, इस अपने गांव में सारा जो व्यू है सारा कुछ दिखाऊंगा और ईद का नमाज अदा करने के लिए चल रहे हैं। चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। चलिए चलते हैं बाहर की ओर। तो देख सकते हैं भाई साहब, लोगों को सजाया गया। निक्की भाई को देख लीजिए, देख लीजिए सभी लोग, काफी ज्यादा भीड़ है। कितना शानदार से आए। सब लोग चल रहे हैं, देख सकते हैं कितना सारा लोग चल रहे हैं। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग ईदगाह पहुंचने वाले हैं और अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पीछे भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं ईद की नमाज को अदा करने के लिए और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। कितना शानदार सा व्यू आ रहा है, तो इसी तरीके का सपोर्ट प्यार दिखाइए और आप लोगों को मैं कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वेट कर रहे हैं। सुल्तान भाई है फाइनली अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग ईदगाह पहुंच चुके हैं और ये रहा ईदगाह का और यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कितना ज़्यादा मेला लगा है। चलिए अभी हम लोग चलेंगे अंदर और अंदर जाकर आप लोगों को जो मेला का सारा व्यू दिखाने वाला है। लोग में आप लोग मुसलमान है मानने का नाम, जहाँ पर जिस जगह जिस मौके पर जिस जमान और मकान में अल्लाह का जो हुक्म जिस तरह मिल जाए उसी
तरह अदा करना, उसको मानना। मानने से जिंदगी के अंदर हुस्न पैदा आ जाता है, निखार आ जाता है। और जाहिर का असर बातचीत पर इस तरह पड़ता है कि आदमी और फरहत से बाबा ये बातें हमारे अंदर पैदा हो जाती है, हम शामिल बन जाते हैं और हमारे ऊपर रहमतों के रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और हमारे लिए दुआएं मगफिरत फरमाते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और भाई जो भी ईदगाह के अंदर बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, वक्त जो बचा हुआ है 2-3 मिनट, तो इंशाल्लाह ताला मैं चाहूंगा कि हर शख्स में एक दो बंदे खड़े हो जाएं और ईदगाह की तामीरी काम में जो लोग ताउन कर रहे हैं उसमें पहुंचा करके हिस्सा लें। मेरे मुस्लिम बुजुर्गों दोस्तों, एक बात अर्ज करना चलूँ कि जैसा कि मैंने पिछले बार भी ऐलान किया था और इरादा भी किया था कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली ईद में यह ईदगाह जो है आपको इससे भी ज्यादा बेहतर और मिट्टी भराई आपसी इत्तेहाद मेल मोहब्बत भाईचारगी कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने साल में दो दिन अहबाब के साथ, अपने अकरबा के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ खुशबू लगा करके ईदगाह जाएं, अल्लाह का नाम लेते हुए जाएं। और वो नजारा आज नजर आ रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी दुआ है हमेशा से और हमेशा रहेगी कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को हर तरह की तमाम परेशानियों से महफूज रखे और दीन के एतबार से भी तरक्की दे और दुनिया के एतबार से तरक्की दे, किसी का मोहताज न बनाए सिवाय अल्लाह के। वल्लाहु अली कौन तुम सफरा, अल्लाह ताला मानदार है और हम सब क्या है फकीर है। हमारा हाथ उठेगा तो अल्लाह के नाम सामने किया का नाम तो भैया का नाम सही या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और दूसरी मदद चाहते हैं। तेरे अलावा हमारा कोई सरोकार नहीं है, तेरे अलावा हमारा कोई सरोकार नहीं। मेरे मुख्यम दोस्तों, ये चंदे का अमल पूरा हो गया है, अब जो है इमाम साहब आपको ईद की नमाज के हवाले से काबिलियत होंगे इंशाल्लाह। प्यार नहीं तो कुछ भी, प्यार से है संसार। अरे कल भी मुझे यादों का शुक्र मनाइए।
साहब। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ईद का नमाज पढ़कर आ चुके हैं अभी अपने घर, और आप लोगों को हमारी ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और मैं अभी लक्ष्मण से जो होती है वो सभी लोग खा रहे हैं, तो आप लोग आकर जरूर खाइए।